नमस्कार, स्वागत है आपका जीवन 24 में। मैं हूं आपके साथ अपराजिता। चलिए रुक करते हैं बिहार की एक खबर पर। अररिया के बीजेपी नेता पप्पू झा की संदेहास्पद स्थिति में शिवपुरी मोहल्ले स्थित एक घर से शव बरामद हुआ है। प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या का नजर आ रहा है। पप्पू झा अररिया जिला के पूर्व बीजेपी जिला उपाध्यक्ष थे। जहानपुर गांव के निवासी पप्पू झा की इस तरह मौत से पूरे शहर में सनसनी फैली हुई है। घटनास्थल पर बीजेपी नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। वहीं मौके पर फॉरेंसिक टीम, डीआईयू टीम और नगर थाना पुलिस पहुंच गई है और वारदात की तफ्तीश में जुट गई है। घटना की सूचना पर अररिया एसपी अमित रंजन घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि सभी पहलुओं से जांच की जा रही है, जल्द ही निष्कर्ष निकाला जाएगा। बॉडी पाई गई है, पुलिस को सूचना मिलते तुरंत एसएचओ और एफएसएल की टीम यहां पे आई है और साक्ष्य को एकत्रित किया जा रहा है और पूरा इसमें साइंटिफिक एविडेंस के आधार पे हम लोग इसका अनुसंधान करेंगे और जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई होगी और जो भी दोषी है उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। वरीय कार्यकर नेता और वो हमारे उपाध्यक्ष थे, कई बार उपाध्यक्ष रहे हैं, उनकी संदिग्ध अवस्था में एक बंद पड़े मकान में सब मिला तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वह सुसाइडल नहीं है और वह निश्चित रूप से हत्या उनकी हुई है। और हम सब अभी मांग किए हैं कि एसपी साहब आकर के स्वयं देखें, कार्यकर्ता उद्वेलित हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसे बिहार से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जीवन 24।